ग्राम पंचायत शाला ग्राम पंचायत विकास योजना की सफलता का उदाहरण। ग्राम पंचायत शाला विकास खंड गोहर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के प्रसिद्ध देव श्री कमरुनाग मंदिर की तलहट्टी के विकास खंड गोहर में स्थित है ग्राम पंचायत शाला। मनरेगा के अंतर्गत मात्र एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर मनरेगा की शुरुआत से लेकर अब तक प्रदेश में एक वर्ष में सर्वाधिक राशि व्यय करने का इतिहास रचने वाली इस पंचायत ने यह कर दिखाया है कि वर्ष दर वर्ष विभिन्न योजनाओं की कन्वर्जेंस कर विकास योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर कितना अधिक परिवर्तन संभव है। मनरेगा चौधुआ वित्त एवं विभिन्न योजनाओं की कन्वर्जेंस करके पंचायत ने ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण किया है जिन्हें उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जो रेन शटर लगभग 3 लाख रुपए लागत से बना है, इस रेन शटर का हमारा एक ये मेन पर्पज जैसा था कि यहाँ से आते जाते टूरिस्ट जो यहाँ रुके और यहाँ से पूरी जीवनी वैली को एक नजर से देखें। मनरेगा आधारित कन्वर्जन से ग्राम पंचायत शाला में पुराने पंचायत भवन का स्थान बदलकर मनरेगा के साथ मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना चौधुआ वित्त एवं विभागीय राशियों की कन्वर्जेंस से प्रदेश के सबसे सुंदर पंचायत भवनों में से एक ग्राम पंचायत भवन शाला का निर्माण किया गया है जिसमें ग्राम सभा हॉल, पार्किंग, प्रधान उपप्रधान व सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग कक्ष, पंचायत बैठक कक्ष, लोगों के लिए शेल्टर, सार्वजनिक शौचालय की सुविधा व सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए मैदान का निर्माण किया गया है। पंचायत घर में मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त राशि की कन्वर्जेंस से एक शानदार भारत निर्माण सेवा केंद्र का भी निर्माण किया गया है। विभिन्न विकास खंडों से विकास कार्यों की एक्सपोजर विजिट पर शाला आए अधिकारियों कर्मचारियों व प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण ठहराव के दौरान महसूस हुई कमी के मद्देनजर भारत निर्माण सेवा केंद्र को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तैयार किया गया है जिसे भारत निर्माण सेवा केंद्र के उद्देश्यों के अतिरिक्त विश्राम गृह के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकेगा। ये ग्राम पंचायत के लिए एक आय का स्थायी स्रोत बन गया है। कोरोना काल में ग्राम पंचायत ने इसे क्वारंटीन केंद्र के रूप में देकर समाज सेवा का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। पंचायत में रिकॉर्ड संधारण का भी शानदार प्रयास किया गया है व हर कार्य की अलग अलग फाइलें तैयार की गई हैं। देवश्री कमरुनाग को जाने वाले लाखों पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए मनरेगा टूरिज्म की अवधारणा पर कार्य किया गया तथा मुख्यतः मनरेगा के साथ योजना मद 14वें वित्त व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क मुरम्मत योजनाओं का कन्वर्जेंस करके देवश्री कमरुनाग मंदिर के लिए 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। वहीं मंदिर के समीप ही एक बड़े हेलीपैड का भी निर्माण किया गया है। अब मनरेगा के तहत इसमें टायरिंग का कार्य चल रहा है जिससे अब श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने के लिए सड़क की सुविधा प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्राम पंचायत शाला ने श्री देव कमरुनाग मंदिर के लिए सड़क का निर्माण प्रारंभ करके इस चुनौती को स्वीकार किया है और इस सड़क का निर्माण कार्य करके एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पूरे प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया है। सड़क में शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं। इसी सड़क मार्ग पर शकरणी गांव के नजदीक हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत पंचवटी का निर्माण भी किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण से जहाँ एक ओर शकरणी ज्वाल इत्यादि गाँव के हजारों लोगों को लाभ पहुँचा है तो वहीं दूसरी ओर मंडी रियासत की स्थापना स्थली गढ़ को भी पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद मिलेगी। मनरेगा के साथ 14वां वित्त एवं योजना मद की राशियों का कन्वर्जेंस करते हुए पंचायत में लगभग 28 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 20 गांवों व उपगांव को सड़क संपर्कता से जोड़ा गया है। आज शाला में कोई भी गाँव सड़क से वंचित नहीं है। 14वें वित्त व मनरेगा की कन्वर्जेंस से गाँव के भीतर शानदार रास्तों का निर्माण किया गया है जिससे गाँव की सुंदरता में वृद्धि हुई है। ब्लॉक गोहर की ग्राम पंचायत है शाला, जिसने कन्वर्जेंस के अंदर एक बहुत ही अनूठा मॉडल पेश किया है जो डिफरेंट पब्लिक कन्वीनियंसेस हैं उन सभी को कन्वर्जेंस से, चाहे वो नरेगा के अंदर हो चाहे वित्त आयोग के अंदर हो, वो इस ग्राम पंचायत ने कर दिखाया है। हमें बहुत खुशी होती है ये देखकर क्योंकि एक ग्राम पंचायत एक रोल मॉडल मिली बनी है पूरे हिमाचल के अंदर। हम किस तरह से नरेगा की कन्वर्जेंस और स्कीमों से करके नई नई चीज़ें बना सकते हैं, जन सुविधाएं बना सकते हैं, इसके लिए एक विकास का मॉडल है ग्राम पंचायत शाला। मनरेगा के तहत एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए मात्र 5 महीने में 30 लाख रुपए की लागत से वाहन योग्य पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल मनरेगा के तहत निर्मित सबसे लंबा पुल है
जिससे 10 गांव के लगभग 750 लोगों की आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। मनरेगा के तहत शाला बाजार की लोक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क पर पेवर बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे शाला बाजार की सुंदरता व स्वच्छता को चार चांद लग रहे हैं। मनरेगा का प्रयोग करके राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाला में फेंसिंग करवाई गई है। वो अब स्कूल के प्रांगण में मनरेगा के तहत एक शेल्टर वो सामुदायिक किचन शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्कूली बच्चों को सुविधा प्राप्त हो रही है। मनरेगा के अंतर्गत लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह शेल्टरों का निर्माण किया गया है, जिसका स्थानीय निवासी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वो पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। लोगों के खेतों को बारिश के पानी के दौरान बहने से बचाने के लिए शाला में मनरेगा वो 14वें वित्त के तहत नालियों का निर्माण किया गया है, जिससे बारिश का जल खेतों की मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाता। गांव की स्वच्छता भी बरकरार रहती है। लोगों के खेतों में विकास हेतु मनरेगा के तहत भूमि सुधार के कार्य करवाए गए हैं, जिससे कृषि योग्य भूमि में काफी वृद्धि हुई है। लोगों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मनरेगा के तहत लघु सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है व लोगों को स्प्रिंकलर भी प्रदान किए जा रहे हैं। 14वें वित्त से निर्मित की गई सिंचाई सुविधा से गांवों के निवासियों का जीवन खुशहाल हो रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत जल संग्रहण टैंकों का भी निर्माण किया गया है। मनरेगा के तहत ग्रामीणों के लिए गौशालाओं, केंचुआ पिट व जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। कृषि व पशुपालन के विकास से रोजगार के स्थायी साधन सृजित हुए हैं, जिससे बेरोजगारी कम हुई है व महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। मनरेगा व 14वें वित्त के तहत मोक्ष धामों के निर्माण पर भी कार्य किया गया है। ग्राम पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर खेल मैदानों का निर्माण कर खेलों व सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। पंचायत पूरी तरह बाह्य शौच मुक्त पंचायत है। 14वें वित्त आयोग की राशि से लगी 150 सोलर लाइटों से ग्राम पंचायत शाला का हर गांव जगमगा रहा है। ग्राम पंचायत शाला ने वर्ष दर वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा पर चलकर पंचायत का कायाकल्प कर न केवल स्थानीय निवासियों के जीवन में बहुआयामी गुणात्मक परिवर्तन लाया है, बल्कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा तथा कन्वर्जेंस के माध्यम से बड़े बड़े कार्यों को करने की क्षमता की संभावनाएं भी दिखलाई हैं। ग्राम पंचायत शाला का GPDP मॉडल सभी पंचायतों को आत्मविश्वास प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें हमने अपने विभाग के अंदर, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर ये निर्णय लिया कि ऐसी 260 प्रमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं जिनके माध्यम से हम गांव के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जहां गांव के लिए हम आधारभूत ढांचा खड़ा करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उसके चलते हम मनरेगा को अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्स करके जो है वो हम जो है टूरिज्म की बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमने गोहर ब्लॉक में शाला पंचायत को लिया, वहाँ पर हमने 13 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, 70 मीटर स्पैन का पुल वहाँ पर बनाया। उस गांव के अंदर हमने मनरेगा के माध्यम से विश्राम गृह भी जो है वो बनाए और आज वो हमारा GPDP में जो है वो एक मॉडल पंचायत जो है वो बनी है और उस मॉडल को जो है वो हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो रेप्लिकेट कर रहे हैं।